नमस्कार साथियों, जल्दी आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो ये एक फर्टिलाइज़र है जिसका माइक्रोटस नाम है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र है, ड्रिप लिखा हुआ है ऊपर, और सनशाइन कंपनी का ये माइक्रो टच, जिसे फुल फॉर्म में माइक्रो मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो 5 लीटर का कनिस्तर है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो विभिन्न फसलों के पिक्चर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ इसमें विभिन्न तत्वों की मात्रा दिखी हुई है, परसेंटेज में आयरन 2% और मैंगनीज 2%, और जिंक 5%, कॉपर 0.5% और मोलोबेडिनम 0.05%, बोरॉन है वो भी 0.5%। 5 लीटर का है, इसमें और भी डेट ऑफ, इसमें एक्सपायरी डेट, मैनुफैक्चरिंग डेट और रेट लिखी हुई है। ये सेल फॉर ओनली राजस्थान के लिए है और कंपनी की डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हालांकि मेरे को इस इंग्लिश नहीं आती है बेहतर, लेकिन फिर भी जो उसके उतना समझा दूंगा। ये हमने मोटर द्वारा ही दिया है, वेंचुरी वाल द्वारा, न कि इसका स्प्रे किया है। हमने पहले एक और 10 लीटर का माइक्रोटेक दिया था जब पौधों की कटिंग की थी उस समय, और 5 लीटर ही अभी आज ही दिया है। तो माइक्रोटस सूक्ष्म अन्नद्रव्य है जिसका उपयोग पौधों में फल फूल को बढ़ाने के लिए और पौधों में सूक्ष्म तत्वों की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्या क्लेम करती है कि क्या इसका फायदा है। बेस्ट सूटेबल फॉर कॉटन पल्सेज, सोयाबीन, ओइनसीड, रेड ग्राम, पेडी, बनाना, ग्रेप्स, शुगर कैन, वेजिटेबल और फॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब इसका उपयोग है। ये किस फसलों में सूट होता है, मतलब कपास है, पल्स और सोयाबीन है, जो तिलन है, दलहन है, रेड ग्राम चिल्ली शायद उसे बोलते हैं, बनाना, केला, ग्रेप्स, अंगूर, शुगर कैन, शकरकंद के लिए, और वेजिटेबल, अन्य सब्जियां और बागवानी फसलों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हेल्प्स इन इंक्रीज साइज वेट एंड वेल स्किपिंग क्वालिटी फॉर फ्रूट्स, इट प्रिवेंट्स फ्लावर एंड फ्रूटिंग ड्रॉपिंग, मतलब आपके फल की मतलब मात्रा को बढ़ाने में और उसका संतुलन बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और फसल से फूल गिर रहे हैं तो उसको गिरने की क्षमता भी बंद हो जाती है, मतलब गिरना बंद हो जाता है। इम्प्रूव प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर NPK फर्टिलाइजर, इस कॉन्टेंट्स आर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच हेल्प इन रैपिड हेल्थी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों में ये NPK फर्टिलाइजर है, मतलब नाइट्रोजन, पोटास और कैल्शियम जिसे कहा जाता है, उनकी प्रॉपर मात्रा में, इसकी संतुलन मात्रा में इसके अंदर दिया हुआ है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है और अन्य तत्व हैं जो फसलों को हेल्थली मतलब स्वास्थ्य के लिए, उनका ग्रोथ पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होता है, और यूजफुल टू ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स विथ डेवलप रेजिस्टेंस द पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब पौधों में प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है, और कॉन्टेंसिंग पोटेशियम एंड नाइट्रोजन अस फर्टिलाइजिंग एलिमेंट्स फॉर हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर NPK एंड माइक्रो फर्टिलाइजर, इसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन की भी तत्वों की भी प्रॉपर मात्रा में इसकी अंदर दिया हुआ है, और कंपेटेबल विथ मोस्टली ऑल प्रैक्टिसाइड्स फंगिसाइड एक्सेप्टेड दोज हैविंग एल्काइन डाइजेस्टर, मतलब इसमें फंगस और जो भी कीटाणु हैं वो मारने की भी क्षमता इसमें है। डायरेक्शन है, इसमें डेवलप 3 ml हैं जो प्रति लीटर पानी में इसका उपयोग किया जाता है, और स्प्रे स्प्रेलर मतलब स्प्रे भी किया जाता है, लेकिन हमने स्प्रे नहीं किया है और नीचे लिया गया है एग्रीकल्चर यूज़ फॉर ऑनली।
सिर्फ किसान कृषि करे तो इसका उपयोग करना है। तो धन्यवाद साथियों, आपका साथियों ही बना रही, तो जल्दी हम सफल होंगे। तो साथियों, दवाई का छिड़काव करते समय मैं धन्यवाद देना है किसान भाइयों से कि अपनी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। पहले सेफ्टी ध्यान रखना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है। तो कोई भी दवाई का छिड़काव है यहाँ जड़ों में देते वक्त हैं, अपना मास्क है, हाथों में ग्लव्स और आँखों को ढकने के लिए ऐनक का ज़रूर इस्तेमाल करना है। और कोई भी दवाई है जो अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहुँच से भी दूर रखना है। और जो भी दवाई है उसके ऊपर वैसे लिखा ही होता है, लेकिन किसान भाई से मैं निवेदन करना चाहूँगा आगे दवाई है वो ठंडे स्थान पर रखें ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक अगर धूप में रखेंगे तो इसकी जो गुणवत्ता है जो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो दवाई है ना उल्टा रिएक्शन करेगी पौधा। धन्यवाद साथियों।